हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। खबर पक्की है ना? यहाँ पर कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। कहाँ पर? आइए सर। सर, इस तरफ है वो लोग। बॉस, आपने जैसा कहा था मैंने सब कुछ वैसा कर दिया। मैंने सीआईडी वालों को आपके हवाले कर दिया। अब मैं जाऊं? काम खत्म, आज भी खत्म। जरूरत नहीं शिया, चलो। सर, क्या हुआ? ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? रानी, एसीपी साहब को कौन सी बात परेशान कर रही है? कुछ बता भी नहीं रहे। अब सर मैं पूछ के देखू? अरे नहीं नहीं, मूड खराब है, डांट देंगे। कहाँ घुस रहे हैं? हमें एसीपी प्रद्युमन से मिलना है, उनकी कायरता को लेकर उनसे कुछ सवाल करने। कायर? आप एसीपी प्रद्युमन को कायर कह रहे हैं? कायर को कायर नहीं कहा जाए तो और क्या कहा जाए? और क्या वजह हो सकती है जो इतने बड़े खूंखार अपराधी को उन्होंने ऐसे ही यूं ही जाने दिया? आप लोगों के लिए बातें बनाना बहुत आसान है। कभी किसी असली मुजरिम से पाला नहीं पड़ा ना आपका? तरह तरह के मुजरिमों से दिन रात उलझते रहते हैं हम लोग। किसी के पास गन होती है, किसी के पास चाकू, किसी के पास बम। 10 मिनट के लिए भी अगर सीआईडी की ड्यूटी निभानी पड़े आपको तो जिंदगी में दोबारा कभी कायर कहने की हिम्मत नहीं करेंगे। चलिए मान लेते हैं कि एसीपी प्रद्युमन कायर नहीं है, तो क्या वो अपराधी के हाथों बिक चुके हैं? आखिर कितनी कीमत ली है उन्होंने उस अपराधी को आजाद करने की? बकवास बंद करिए, उल्टे सीधे इल्जाम मत लगाइए एसीपी पे। आप तो सर ऐसे भड़क रहे हैं जैसे आपके ऊपर ही इल्जाम लगाया जा रहा हो। कहीं एसपी साहब के साथ आप भी शामिल तो नहीं है रिश्वत लेने में? बाहर जाओ आप लोग। ये फजूल सवालों का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता। सर जवाब तो आपको देना होगा, क्योंकि इस देश की जनता को पूरा अधिकार है ये जानने का कि जिस सीआईडी पर वो इतना भरोसा करते हैं उस सीआईडी को कहीं जंग तो नहीं लग गया? सीआईडी को कभी जंग नहीं लग सकता, समझे आप लोग? इस देश की जनता हर रात निश्चिंत होकर इसलिए सोती है क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास है कि जब तक ये सीआईडी है उनकी जान को कोई खतरा नहीं हो सकता।
लेकिन आप लोग जो है ना, जनता की आड़ लेकर अंधेरे में तीर चलाते हैं, अंधेरे में। जाइए आप लोग, प्लीज जाइए। से भी कुछ ले लेके मामला खत्म कर रहा। तुम दोनों इस वक्त? सॉरी सर, शायद हम लोगों को फोन करके आना चाहिए था। अरे नहीं नहीं अभिजीत, कैसी बातें करते हो, बताओ क्या बात? सर, हमारे आने की वजह शायद आपको पता चल गई होगी। आज हुई मुठभेड़ के बाद आपके चेहरे पे एक अजीब सी परेशानी देखी थी सर, एक अजीब सा सवाल, जैसे कोई पहेली हो जो आपको बहुत परेशान कर रही। तुम दोनों को रतन याद है? रतन, रतन जकोटा। रतन जकोटा, वो मुजरिम जिसे आपने मारा था 5-6 साल पहले? हाँ अभिजीत, वही वही रतन जकोटा। आज जिसके साथ मुठभेड़ हुई वो उसी के साथ हुई, उस रतन जकोटा के साथ। मरे हुए आदमी के साथ मुठभेड़, ये कैसे हो सकता है सर? वही तो समझ में नहीं आ रहा दया, वही तो समझ में नहीं आ रहा कि ये रतन जिंदा कैसे हो गया। ये देखो, पेपर्स में भी उसके लाश की फोटो तक छप के आई है, फिर भी ये जिंदा कैसे? सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये रतन का कोई साथी हो जिसने प्लास्टिक सर्जरी करवा के रतन जैसी शक्ल बनवा ली और अब आपसे बदला ले रहा है? इस रतन के गैंग की पूरी कुंडली निकालो, पूरी कुंडली निकालो, पूरी साजिश है, साजिश, हमें गुमराह करने की साजिश। जब हम रतन गैंग के साथ उलझे हुए थे उसी वक्त भांडुप में भी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। और सर, वो खबरी रिंकू, वो भी मिला हुआ था उनके साथ। हाँ फ्रेडी, वो रिंकू भी मिला हुआ था, लेकिन ये सारा काम इस रतन गैंग का ही है, क्योंकि पहले भी आतंक फैलाने के लिए उन्होंने यही तरीका इस्तेमाल किया था। क्या पता चला रतन के बारे में? सर, इस रतन का एक पार्टनर हुआ करता था जिसका नाम है तेजा, जो पिछले 5 साल से जेल में है सर। तेजा कौन सी जेल में? सर, ये है मिस्टर बलवंत, तेजा के वकील। मिस्टर बलवंत, ये है एसीपी प्रद्युमन। अरे भाई, इन्हें कौन नहीं जानता। खैर, अब मैं चलता हूँ, मेरी एक जरूरी मीटिंग है। कहिए एसीपी साहब, आज सीआईडी को मेरी याद कैसे आ गई? रतन मेरा पार्टनर था, मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ? आप ही की गोली का शिकार होकर वो इस दुनिया से उठ गया था। जिंदा है, जिंदा है रतन। क्या रतन जिंदा है? ऐसा कैसे हो सकता है? 5 साल पहले आप ही ने तो गोली मारी थी उसको। हाँ, मैंने ही गोली मारी थी उसे। लेकिन कल ही देखा मैंने उसे। कैसे हो सकता है ऐसा? किसी मरे हुए आदमी को आप कैसे देख सकते हो सर? जरूर आपने उसकी आत्मा देखी होगी।
मजाक करने के मूड में नहीं हूं मैं तेजा, समझे? रतन के बारे में और क्या क्या जानते हो? क्या क्या जानते हो रतन के बारे में, जल्दी बताओ। मैं कैसे कुछ जानूंगा सर, 5 साल से तो मैं यहाँ जेल की सलाखों के पीछे सड़ रहा हूँ सर। 5 साल पहले तुम दोनों जहां जहां मिलते थे, उन जगहों का नाम चाहिए मुझे। कोई एक अड्डा हो तब तो बताओ ना सर। जितनी बार वो मिलता था हर बार अलग अलग जगह, कभी चूना भट्टी तो कभी भिंडी बाजार, कभी भिवंडी तो कभी माहिम सर। जेलर साहब, तेजा की अच्छी खातिरदारी करना। आज सीआईडी आई थी तेजा से मिलने, कुछ गड़बड़ लग रही है। अच्छा हुआ उस दिन फोन कट गया, मैं तो फंस जाता। बाद में बात करते हैं, ठीक है? सर आप चाय पियेंगे? पियेंगे नहीं, पिलाएंगे चाय जेल की तुम्हें। हैं? बता क्या चक्कर है तेरा तेजा के साथ? कुछ नहीं साहब, बस मैं तो। चुप! तेजा का नाम लेकर किससे बातें हो रही थी? 2 दिन पहले मेरे मोबाइल पे किसी का फोन आया था, कह रहा था तेजा से बात कराओ। जब तक मैं तेजा के पास पहुंचता फोन कट गया था, और फिर दोबारा फोन नहीं आया। नंबर बता, कहां से फोन आया था? इसी तरफ फोन ट्रेस हुआ है सर। इस साइड? हाँ। अभिजीत, जिस आदमी ने चाय वाले को फोन किया था उसका फोन गोदाम नंबर 22 पर ट्रेस हुआ है। हाँ? जल्दी आना, जल्दी। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है भाई, हम इस बार वो कारनामा करेंगे कि सारा देश थर्रा उठेगा और लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। शाबाश पप्पू, 2 दिन बाद अखबार में बस एक ही हेडलाइन होनी चाहिए कि सारा शहर बॉम्ब के धमाके से थर्रा उठा। फ्रेडी, यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट होने की प्लानिंग चल रही है। एसीपी सर का फोन लग रहा है, ना ही फ्रेडी सर का। गुंडों के साथ दोनों की मुठभेड़ तो नहीं हो गई? पूरा एरिया अच्छी तरीके से चेक करो। एसीपी साहब मिले? नहीं सर, लगता है दोनों पे हमला किया गया है। गुंडे एसीपी साहब को ले गए और फ्रेडी को मार गए। हमें जल्दी इसको हॉस्पिटल लेके जाना होगा। खुद पे शर्म आ रही है मुझे सर, मैं एसीपी सर के साथ था फिर भी उनकी रक्षा नहीं कर पाया। पता नहीं वो गुंडे उन्हें कहां ले गए होंगे। खुद को दोष देने का क्या फायदा फ्रेडी? अच्छा जरा याद करो, बेहोश होने से पहले तुमने गुंडों की कोई बातचीत सुनी थी? किसी जगह का नाम लिया हो उन्होंने?
जहां वो एसीपी सर को ले जा सकता है। नहीं सर, एसीपी साहब क्या हाल है? नींद तो अच्छी आई? अरे पप्पू जा एसीपी साहब के लिए पैटी लेके आ। कौन हो तुम? तुम्हारी मौत मेरी मौत। एसीपी प्रद्युमन की जिंदगी इतनी सस्ती नहीं है समझे? कौन हो तुम बताओ, क्या चाहिए तुम्हें? हम कौन है, क्या चाहते हैं ये तुझे बहुत जल्द पता चल जाएगा एसीपी। पहले जरा बॉस को तो आने दे। कौन है तुम्हारा बॉस? कौन है तुम्हारा बॉस? रतन? रतन है तुम्हारा बॉस? अरे इतनी भी क्या जल्दी है जानने की एसीपी साहब? अभी तो फिल्म का इंटरवल हुआ है। विलन कौन है ये तुझे क्लाइमेक्स में पता चल? फिल्म खत्म होने से पहले ही विलन खत्म हो जाएगा समझे? रस्सी चल गई मगर तेरा बल नहीं गया एसीपी। बहुत हेगड़ी है एसीपी में, हम ही से दिखा रहे हैं। एसीपी सर का फोन लगातार बंद आ रहा है, उनकी जान को खतरा है, न जाने किस हाल में होंगे वो। पता चला? नहीं सर। सर रतन के बारे में खास बात पता चली है। क्या? 8 साल पहले 2005 में रतन पिंजरपुर जेल में था। वहां के जेलर ने बताया कि उसे किडनी की बीमारी है और उसे हर हफ्ते डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। डायलिसिस? इसका मतलब जेल से निकलने के बाद भी इलाज के लिए वो किसी ना किसी डॉक्टर से जरूर मिलता होगा। निखिल शहर के हर किडनी स्पेशलिस्ट से मिलो, पूछताछ करो, हमें जल्द से जल्द रतन तक पहुंचना है। रतन को ढूंढने में आपको सिर्फ एक ही आदमी मदद कर सकता है और वो हूं मैं। जैसे ही मुझे पता चला कि एसीपी साहब की जान खतरे में, मैंने तुरंत अपने आदमियों को काम पे लगा दिया रतन का अड्डा ढूंढने के लिए। कहां मिलेगा ये रतन? सर चिकुवाड़ी में। चिकुवाड़ी, छान मारो। अड्डा तो काफी बड़ा है, इस अड्डे पे पता नहीं कितने सारे आदमी होंगे, हमसे दो हैं सर। क्यों पंकज, डर लग रहा है क्या? हाँ सर। थोड़ा बहुत डर तो चलेगा, लेकिन याद रहे कि ये डर ड्यूटी के बीच नहीं आना चाहिए। तुम इधर देखो, मैं आगे देखता हूं। कोई नहीं, इसे कहते हैं खोदा पार निकला ढेचू। उसकी इंफॉर्मेशन गलत थी सर। नहीं पंकज, उसकी इंफॉर्मेशन गलत नहीं थी। ये चाय के ग्लासेस, इसका मतलब ये है कि रतन और उसके साथी यहां पे थे, लेकिन हम लोग थोड़ी देर से पहुंचे। आसपास जरूर कोई चाय की दुकान होगी, वहां से पता चल जाएगा। ये रही चाय की दुकान, हो सकता है रतन के साथियों ने चाय यहीं से मंगाई। साहब चाय पीनी है तो छुट्टे पैसे देने पड़ेंगे, पहले ही बता रहे हैं।
अरे भाई साहब पर कुछ नहीं साहब, आप जैसे सेठ लोग आते हैं और चाय पी के बाद में 1000 का नोट देते हैं, आप ही बताइए साहब, मैं गरीब आदमी हूँ, कहाँ से पैसे खुले दूंगा। भाई साहब हम लोग यहाँ पे चाय पीने नहीं आए, हम लोग CID से। जी हाँ CID से, आपसे कुछ पूछना है। पूछे साहब। यहाँ बाई तरफ आखिर में जो घर है वहाँ पे आपने कभी चाय दी थी? साहब वहाँ से कोई आदमी आता था चाय लेने के लिए। वो आदमी दिखता कैसा था, उसका चेहरा याद है? साहब चेहरा तो नहीं याद। कोई खास बात? कुछ तो याद होगा। साहब वो चाय लेने के लिए लेस्कॉर्ट गाड़ी से आता था। लेस्कॉर्ट गाड़ी से? देखना, कभी इस आदमी को तुमने देखा लेस्कॉर्ट गाड़ी में बैठे हुए? नहीं साहब। गाड़ी का रंग याद है, कलर? गाड़ी का रंग साहब काला था। काले रंग की लेस्कॉर्ट गाड़ी। अच्छा ये नंबर याद है तुम्हें, नंबर क्या था? अरे साहब वो कौन सी मेरी भैंस चुरा ले गया था जो मैं उसका नंबर याद रखूं। और कुछ याद है गाड़ी के बारे में? उसकी गाड़ी का नंबर लाल था, काला सफेद नहीं था साहब। लाल रंग का इस्तेमाल तो नई गाड़ी के नंबर प्लेट के लिए किया जाता है, TC नंबर। सर ये है शहर के सारे किडनी स्पेशलिस्ट, और ये है डॉक्टर अविनाश जो जेल में रतन का इलाज कर रहे थे। मतलब रतन जब जेल के अंदर था तब उसका डायलिसिस आप ही करते थे? हाँ सर, मगर जेल से छूटने के बाद वो इलाज के लिए कभी आया नहीं मेरे पास। हो सकता है किसी और डॉक्टर के पास जाता रहा हो सर। ये रतन है, आप में से किसी के पास तो आता ही होगा। आपके पास? नहीं सर, मेरे पास नहीं आया था। आपके पास? नो सर। डॉक्टर देवेंद्र, फोटो देखते ही आपका चेहरा सफेद पड़ गया, आपके पास आता था? नहीं तो। डॉक्टर साहब आपको डरने की जरूरत नहीं, जो कुछ भी है खुल के बताइए। ये बहुत खतरनाक आदमी है सर, अगर इसको पता चलेगा कि मैंने CID के सामने अपनी जुबान खोल दी है तो मुझे जान से मार देगा। देखिए आप घबराइए मत, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। आप सिर्फ ये बताइए कि ये आदमी कब आया था आपके पास? ये नहीं आया था, मैं गया था इसके पास। एक दिन अचानक मेरे घर पे कुछ गुंडे आए और मुझे जबरदस्ती उठा के ले गए इसके चेकअप के लिए। कहाँ ले गए थे वो आपको? पता नहीं सर, उन लोगों ने मेरी आंखों पे पट्टी बांध दी थी, बड़ी अजीब सी जगह थी। कुछ तो याद होगा आपको, कैसी थी वो जगह, या फिर कुछ भी अजीब लगा हो आपको, या कोई आवाज? हाँ सर, मुझे उस जगह पे एरोप्लेन के उड़ने की आवाज आ रही थी हर 5 मिनट बाद। एरोप्लेन की आवाज, मतलब वो जगह है एयरपोर्ट के आसपास है, पूरा एरिया छान मारेंगे। और उस चाय वाले ने बताया था ना काली लेस्कॉर्ट गाड़ी के बारे में जिसका नंबर प्लेट लाल रंग का है, ऐसी गाड़ी कौन चलाता है ये RTO से पता चल जाएगा। सर एयरपोर्ट के पास तो बहुत सारी ऐसी खुफिया जगह होगी, रतन कहां छुपा होगा? चले यहां देखते। बाद में। एक्सक्यूज मी। जी कहिए। पिछले महीने में कितनी लेस्कॉर्ट गाड़ियां खरीदी गई है इसके बारे में जानकारी चाहिए। ये RTO ऑफिस है भाई साहब, ऐसे ही किसी को भी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते, कोई भी मुंह उठाकर चलाए और हम उसे इंफॉर्मेशन दे दें। CID? आप लोग CID से हैं? आप लोग बैठिए ना, सुनो लस्सी बुलाओ। लस्सी छास मत दीजिए, सवाल के जवाब दीजिए। जी एक मिनट। पिछले महीने में कुल 8 लेस्कॉर्ट गाड़ियां खरीदी गई थी। 8? उनमें से काली रंग की कितनी थी? कुल 5 गाड़ियां थी मैडम। 5 काली लेस्कॉर्ट गाड़ियां,
ये पांचों गाड़ियां किस किस ने खरीदी हैं? राजीव, सरताज, आर्यन, बलवंत कुमार। बलवंत कुमार तो तेजा का लॉयर है ना, उसका केस लड़ रहा है। हाँ सर। इस बलवंत कुमार का एड्रेस क्या है? पूरा घर अच्छे से छान मारो। बलवंत घर पे नहीं, अलमारी में उसके कपड़े भी नहीं है। मतलब बोरिया बिस्तरा बांध कर रफू चक्कर हो गया है बलवंत। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशंस, सभी चेकनाकों पर खबर कर दो, बलवंत बचकर भागना नहीं चाहिए। और सुनसान घर सर। हाँ, शायद रतन की तलाश यहां पे पूरी हो जाए। सर दरवाजा तो खुला हुआ है। हाँ। सर पूरा घर खाली है। इस रतन को ढूंढते ढूंढते सैर सपाटा हो गया सर। हमेशा हमसे एक कदम आगे रहता है। जब भी कोई अड्डे पे पहुंचो भागकर निकल जाता है। हाँ पंकज, अब तक तो ये एक कदम आगे रहा है, लेकिन ज्यादा देर तक हमसे नहीं बच सकता। सर गाड़ी की आवाज सुनी आपने? हाँ। गाड़ी लेसपॉट। ये गाड़ी तो उस वकील बलवंत की है। जरूर ये बलवंत रतन के बारे में जानता होगा। हेलो अभिजीत सर। शेर दाड़ा तो नहीं ना? सीआईडी का शेर है, बहुत जोर जोर से दाड़ा, मगर अब शांत बैठा है बेचारा। वेरी गुड। जब तक हमारा प्लान कामयाब नहीं हो जाता, इस शेर को ऐसी शांत बैठे रहने दो। एसीपी की शांति और हमारे बम का धमाका, क्या मस्त कॉम्बिनेशन है ना बॉस। बम लगा दिया ना? हाँ, बस अब ब्लास्ट होने की देरी है। बूम! लोग तो मरेंगे ही मरेंगे, देश की उम्मीद भी मर जाएगी। फड़फड़ाओ एसीपी, फड़फड़ाओ। हाँ फड़फड़ाओ। ये सीआईडी का सबसे खतरनाक खिलाड़ी है, इस पे नजर रखना। अगर ये पिंजरे से फर्र हो गया ना तो हम सब मारे जाएंगे, समझे? नजर रखना इस पर, नजर। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, किसी भी हालत में मुझे यहां से बाहर निकलना ही चाहिए, वरना तबाही मच जाएगी। Thank you.
अब वो काली लेस्कॉट किस तरफ मुड़ी? बंसी नगर की तरफ। बंसी नगर लो, बंसी नगर। उस गाड़ी के बारे में लगातार इन्फॉर्म करते रहो मुझे। थैंक यू वेरी मच। श्रेया, एसीपी साहब के मोबाइल के बारे में कुछ पता चला? लोकेशन ट्रैक हुआ उनका? नहीं सर, उनका फोन लगातार बंद आ रहा है। जैसे ही ऑन होगा मोबाइल कंपनी हमें तुरंत इन्फॉर्म कर देगी। सर मुझे एसीपी साहब की बहुत चिंता हो रही है सर कहीं रतन उनके साथ कुछ करना दे सर। एसीपी प्रद्युमन है वो, एसीपी प्रद्युमन सीआईडी का बब्बर शेर है वो। ये रतन जैसे कॉकरोच उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्या बात है, क्या हुआ? देखो मैं सीआईडी से हूँ, क्या आपके पास मोबाइल फोन है? जरा प्लीज मुझे दे सकते हो? मुझे जरूरी फोन करना है। थैंक यू। हेलो अभिजीत। हेलो सर, आप कहाँ हैं सर? मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो शहर में एक बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है, हजारों लोगों की जानें जा सकती है, किसी भी हालत में हमें ये ब्लास्ट रोकना ही होगा। ओह माय गॉड, आपको कुछ पता है सर ये बॉम्ब कहाँ फटने वाला है? नहीं अभिजीत, मुझे पता नहीं कहाँ पर होगा ये ब्लास्ट, लेकिन इतना पता है कि एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है जिसमें देश की बड़ी बड़ी हस्तियां आने वाली है। कुछ भी हो सकता है अभिजीत, पता लगाओ किसी भी हालत में कहाँ पर है ये बॉम्ब। मुझे आप 2 मिनट दीजिए, मैं पता करता हूँ ऐसा फंक्शन कहाँ पे होने वाला है। हाँ मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। ओके सर। सर अपना ख्याल रखिएगा सर। पता करो शहर में कितने बड़े फंक्शन होने वाले हैं, कहाँ पे होने वाले हैं, सबकी डिटेल्स निकालो। बॉम्ब का खतरा है उसमें। अंधेरी में एक फंक्शन है जो आर्मी ऑफिसर्स की शान में रखा गया है। सर दूसरा फंक्शन झूम है, वहाँ पे मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस है, देश विदेश के बड़े बड़े न्यूरोलॉजिस्ट अपना रिसर्च शेयर करने के लिए आए हैं। झूम है सर, एक फंक्शन तो बड़ा ही हाई प्रोफाइल अवार्ड फंक्शन है सर। कौन सा? इस फंक्शन में देश को तरक्की की राह पे ले जाने वाले लोगों को सम्मानित किया जाएगा, बड़ी बड़ी हस्तियाँ आएगी वहाँ पे, इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस, खिलाड़ी, फिल्म स्टार्स वगैरह। यही फंक्शन है फ्रेडी, यही फंक्शन है। कहाँ पे होने वाला है? इसी कलर खेल दो। ठीक है जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँच जाओ, मैं भी वहीं पे मिलता हूँ तुम्हें। केपी कला केंद्र लेना जल्दी, केपी कला केंद्र। देखो हम लोग सीआईडी से, ऑडिटोरियम के अंदर बम है, मैनेजर कहा तुम्हारा? आइए। मैनेजर साहब। हाँ दीपक, क्या हुआ? सीआईडी ये लोग कह रहे हैं कि ऑडिटोरियम में बम है सर। बम? हाँ। कहीं ये काम उन इलेक्ट्रिशियन का तो नहीं? इलेक्ट्रिशियन? हाँ सर। कौन है वो? कल 4 इलेक्ट्रिशियन आए थे सर, बड़ा सा बॉक्स लेकर के, कह रहे थे कि मेकअप रूम के सारे इलेक्ट्रिक वायर्स चेक करने हैं। मुझे लग रहा है कि उन्होंने ये गड़बड़ की है। कहाँ मेकअप रूम? कहाँ दिखाइए सर। सर इधर है, आइए सर। सर इसी तरफ। कहाँ पे है? यही सर, यही वो। को फंसाएगा? बोल सर, बम के बारे में कुछ भी नहीं पता सर।
केवल इतना पता है कि 5:30 बजे बम फूटेगा। मैं तो बस बचने के लिए भाग रहा था सर। 5:10, 20 मिनट लेके जाओ उसको। 20 मिनट में बॉम्ब को ढूंढ के उसको डिफ्यूज करना और ऑडिटोरियम में से इतने सारे लोगों को बाहर निकालना बड़ा मुश्किल लगा। कैसे होगा ये? 20 मिनट बहुत है फ्रेडी। बिल्डिंग का चप्पा चप्पा छान मारो, लोगों को ऑडिटोरियम में से बाहर निकालो पीछे वाले दरवाजे से। अब जी चलो जल्दी आइए, इस तरफ राइट में, आराम से आराम से। जल्दी से भागो यहाँ से, यहाँ पे बॉम्ब है। इधर देखो, उधर आइए प्लीज। हाँ भाई, सब काम प्लान के मुताबिक चल रहा है। सीआईडी वालों ने इस देश को कई बॉम्ब के धमाकों से बचाया होगा, पर आज नहीं बचा पाएंगे। आज एक बार इस देश में फिर दिवाली होगी, आंसुओं की दिवाली। ये क्या, ये लोग बाहर आ रहे हैं? सर, सिर्फ 7 मिनट बचे हैं। इतने समय में बॉम्ब को डिफ्यूज करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सर बॉम्ब में सेंसर लगा हुआ है और रिमोट का बटन कहीं से भी दबाएंगे तो बॉम्ब फट जाएगा। ये रिमोट की रेंज कितनी होगी? सर लगभग 200 मीटर 200 मीटर ये सीआईडी वाले भी ना बिन बुलाए बरातियों की तरह मरने के लिए चले आते हैं। आज इनके शहीद होने का सपना पूरा किए देता हूं। इस देश की नींव इतनी कमजोर नहीं कि तेरे जैसे हल्के हवा के झोंके उसे हिला सकें। बहुत फिक्र है तुझे इस देश की और इस देश में रहने वाले नागरिकों की। भले ही चाहे रिमोट छीन ले, अब 5:30 बजने में सिर्फ 3 मिनट रह गए, 3 मिनट, और दुनिया का कोई भी बॉम्ब स्क्वाड इस बॉम्ब को डिफ्यूज नहीं कर सकता। बारा। बारा। 3 मिनट है ना, 3 मिनट में तो तुझे मैं 30 बार ऊपर भेजूंगा। बोल, बम कैसे डिफ्यूज करते हैं? बोल। बम के ऊपर लगी प्लेट को सुपर मैग्नेट से कनेक्ट करेंगे तो बम का सर्किट ब्रेक हो जाएगा और डिफ्यूज हो जाएगा। हेलो एसीपी साहब, thank you.
बलवंत, मेरा ये देश छोड़ने का जल्दी से जल्दी इंतजाम करो। अभी तक तो बॉम्ब ब्लास्ट भी हो गया होगा। इस देश में एक मिनट भी रहना मेरे लिए खतरे से खाली नहीं है। उसकी फिक्र तुम मत करो। ये रहा तुम्हारा बोर्डिंग पास और ये पासपोर्ट। अगले 3 घंटे में तुम्हारी फ्लाइट है जो तुम्हें यहाँ सीधा जिनेवा पहुँचाएगी। उसके बाद इस देश का कानून तुम तक कभी नहीं पहुँच पाएगा। यहाँ क्या कर रहा है? तुझे तो प्लान के मुताबिक इस वक्त प्लान के मुताबिक तो बहुत कुछ करना चाहते थे तुम। सीआईडी वालों ने आज तक बड़े बड़े प्लान्स की खिचड़ी बनाकर उन्हीं को खिला दिए जिन्होंने प्लान्स बनाए थे, समझे? कहाँ जा रहे हो बलवंत बाबू? कोर्ट नहीं जाना? कहाँ भाग रहे हो? तुझसे तो हमें पिछले 5 साल का हिसाब लेना है। 5 साल पहले जिसको आपने गोली मारी थी वो मैं नहीं, मेरा भाई था। क्या? हमारा भाई था? हाँ, मेरा जुड़वा भाई। कानून को यह नहीं पता था कि कोई मेरा जुड़वा भाई है, और आप लोगों को लगा रतन मर चुका है। और तुमने सोचा क्यों ना इस बात का फायदा उठाया जाए। तुम कई साल तक अंडरग्राउंड रहे और प्लान बनाने लगे, देश में आतंक मचाने का प्लान। हाँ, मैं चाहता था पहले बॉम्ब के जरिए हजारों बेगुनाहों को मारता और फिर ACP प्रद्युम्न को तड़पा तड़पा के मारता ताकि मेरे भाई की आत्मा को शांति मिल सके। मगर तुम जैसे मच्छर सच्चाई के रास्ते पर चलने वालों का बाल तक बाका नहीं कर सकते, समझे? फांसी के फंदे पर लटकने की तैयारी करो। अपने भाई से नहीं मिलोगे? हाँ? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.